बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिक्विड क्रिस्टल्स इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हम इसकी डिस्कवरी से स्टार्ट करते हैं 1888 में एक ऑस्ट्रियन बुटेनिस्ट फ्रेडरिक रिंसर ने इसे डिस्कवर किया वो कोलेस्ट्रायल बेंजोएट पर काम कर रहे थे उन्होंने ये नोट किया कि जब इस कंपाउंड को हीट किया गया तो पहले ये एक मिल्की लिक्विड में 145 डिग्री सेल्सियस पर चेंज हो गया फर्दर हीटिंग पर 178.5 डिग्री सेल्सियस पर यह एक क्लियर लिक्विड में चेंज हो गया जब क्लियर लिक्विड को ठंडा किया गया तो ये पहले मिल्की लिक्विड में चेंज हुआ और उसके बाद सॉलिड कोलेस्ट्रॉल बेंसुएट में चेंज हो गया मिल्की या टर्बिड लिक्विड को हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज लिक्विड और सॉलिड क्रिस्टल दोनों से रिजैंपल करती हैं हम लिक्विड क्रिस्टल्स को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं द सब्सटेंस विच कैन फ्लो लाइक अ लिक्विड एंड पोसेज समर्टीज ऑफ क्रिस्टाइन सॉलिड इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल आर द फेस लाइन बिटवीन सॉलिड फेज एंड क्लियर लिक्विड फेज इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल अब हम ये देखते हैं कि डेली लाइफ में लिक्विड क्रिस्टल्स के क्या क्या यूजेज हैं लिक्विड क्रिस्टल्स में मालिक्यूल्स की लेयर्स ऑर्डरली अरेज होती हैं जो कि लाइट के साथ इंटरक्ट करती हैं टेम्परेचर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के साथ इन लेयर्स की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है इनके दरमियान डिस्टेंस चेंज हो जाता है और नतीजे के तौर पे इनसे जो लाइट डाइफ्रेक्ट होती है उसका कलर चेंज हो जाता है यही वजह है कि लिक्विड क्रिस्टल्स को टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है इनको इनफेंट्स की स्किन के टेम्परेचर की मैजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और इसी तरह से रूम थर्मामीटर्स में यूज़ किया जाता है जहाँ पर ये टेम्परेचर को डिफरेंट कलर्स में शो करते हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बहुत छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं इनमें पोटेंशियल फेलियर को डिटेक्ट करना आसान नहीं लेकिन चूंकि लिक्विड क्रिस्टल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं इनको यूज़ करते हुए इनमें पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल फेलियर को मालूम किया जा सकता है लिक्विड क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसा कि डिजिटल वॉचेस कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स में नंबर्स और लेटर्स के डिस्प्ले के लिए भी यूज़ किया जा सकता है इसी तरह से ये ऑसिलोग्राफ्स और टीवी की एल सी में भी यूज़ होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स को वेज आर्टरीज और ट्यूमर्स वगैरह के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है ब्लड वेसल्स और ट्यूमर्स का टेम्परेचर सराउंडिंग टिश्यूज़ की नस्बत ज़्यादा होता है इसीलिए अगर लिक्विड क्रिस्टल की एक लेयर को ब्रेस्ट पर अप्लाई किया जाए तो ट्यूमर एक हॉट ब्लू एरिया के तौर पर शो अप होता है इस टेक्निक को ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज किया जा सकता है एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपकी बुक में शेयर की गई है स्नेल्स और स्लग से सीक्रेट होने वाली म्यूकस लिक्विड क्रिस्टल्स के तौर पे बिहेव करती है इसमें रॉड लाइक मालिक्यूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं ताकि म्यूकस की विस्कोसिटी को कंट्रोल कर सकें ऐसा इसलिए होता है ताकि स्नेल्स और स्लग्स डिफरेंट ग्राउंड कंडीशंस में एडजस्ट कर सकें एंड में हम ये देखते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से कैसे डिफरेंट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह लिक्विड क्रिस्टल्स की भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये लाइट को डायफ्रेक्ट करते हैं लेकिन लिक्विड्स लाइट को डायफ्रेक्ट नहीं करते लिक्विड क्रिस्टल्स लिक्विड्स की तरह फ्लो करते हैं जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते लिक्विड क्रिस्टल्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह मालिक्यूल्स की ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है जबकि लिक्विड्स में मालिक्यूल्स की ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होती वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के साथ चेंज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती जब इनकी प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन के साथ चेंज होंगी देन दे विल बी कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक और जब वो डायरेक्शन के साथ सेम रहेंगी तो वो आइसोट्रॉपिक कहलाएंगे लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती दैट इज दे आर आइसोट्रॉपिक